तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या एक सरकारी कर्मचारी यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, यस और नो। अगर वो कर सकता है तो क्या गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से उसकी कोई लिमिट है, यानी कि वो शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है या लॉन्ग टर्म में करना चाहता है, एफएनओ करना चाहता है या इंट्राडे करना चाहता है, बॉन्ड्स में पैसा लगाना चाहता है या फिर ईटीएफ में पैसा लगाना चाहता है, कोई भी किस तरह के म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। गाइस मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है क्योंकि हमने लास्ट वीडियो अपनी डाली थी सेम टॉपिक पर और बहुत सारे कमेंट आए थे और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन ये पूछा कि सर अगर एक आईएएस ऑफिसर है तो क्या वो शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता है, यानी कि वो एज अ ट्रेडर लगा सकता है या एज अ इन्वेस्टर लगा सकता है। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल में होने वाली है तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन आपको पेशेंस रखिए ना, बस मुझे ध्यान से सुनना है क्योंकि आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर ना तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नीचे लाल बटन आपको दिखेगा उसे दबा दें ताकि कोई नई वीडियो है ना तो आपसे मिस ना हो। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन छोड़ के जाना चाहता हूं जो मैं बाद में कवर करने वाला हूं। क्या वाक्य में एक आईएएस ऑफिसर अगर रैंक का पर्सन है कि वो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है शेयर मार्केट में, यस और नो? गाइस ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये वीडियो का बिल्कुल एंड में बताने वाला हूं। चलिए बात करते हैं मेन मुद्दे की, क्या एक गवर्नमेंट इंप्लॉय, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंप्लॉय हो या वो स्टेट गवर्नमेंट का इंप्लॉय हो या किसी यूनियन टेरिटरी का हो या किसी अथॉरिटी के अंडर काम करता हो, किसी भी गवर्नमेंट विभाग से हो, क्या वो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है या फिर वो ट्रेडिंग कर सकता है? गाइस दोनों में बहुत फर्क है। पहले आपको यह समझना है कि शेयर मार्केट में अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है ना तो वो कर सकता है, लेकिन अगर वो ट्रेडिंग करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता है। आप कहोगे सर ये कहां लिखा हुआ है? सो गाइस इसके लिए हमारे पास यहाँ पे रूल है गवर्नमेंट के, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल, जिसका सेक्शन 16 कहता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग नहीं कर सकता स्पेक्यूलेशन के रूप में। गाइस ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना वीडियो के अंदर, यानी कि अगर वो पैसा स्पेक्यूलेशन के रूप में लगाना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है तो नहीं कर सकता, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कर सकता है। गाइस आप समझ गए होंगे, यानी कि स्पेक्यूलेशन का मतलब सट्टा के रूप में अगर वो पैसा लगाना चाहता है, हाई रिस्क लेना चाहता है, बस डेली बैठा हुआ है कि प्रॉफिट कमा ले, तो उस केस में वो नहीं कर सकता है। उसको दोस्तों रूल मना करते हैं, सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल। गाइस पूरा सेक्शन डिटेल्ड आउट है, इसकी कॉपी भी दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी आपको मिल जाएगी रूल की, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने बात करी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की, यानी कि सरकारी कर्मचारी इन्वेस्टमेंट तो कर सकता है, यानी कि वो इन्वेस्ट करना चाहता है शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी में करना चाहता है, गोल्ड में करना चाहता है, म्यूचुअल फंड में करना चाहता है, ईटीएफ में करना चाहता है या किसी और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन वो स्पेक्यूलेशन के रूप में कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। यानी कि वो ऑनलाइन गेमिंग खेलना चाहता है, नहीं कर सकता। वो एफएनओ करना चाहता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो इंट्राडे करना चाहता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो गाइस यानी कि उसके ऊपर पूरी तरह से गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। और दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर सरकारी एम्प्लॉय खुद तो नहीं कर रहा, लेकिन वो अपने किसी फैमिली मेंबर के थ्रू कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। गाइस आपने देखा होगा कि एक पर्सन आपका क्या है, एक पर्सन किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है, गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो क्या कर सकता है, अपने वाइफ के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है और वहां से देख रहा है कि वहां से इंट्राडे कर रहा है, वहां से कुछ और पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो बिल्कुल दोस्तों गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, यानी कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। इवन कई सारे लोगों ने ये पूछा कि सर ये शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है या फिर लॉन्ग टर्म में? दोस्तों बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहां पर। अब ये शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? दोस्तों पहले तो मैं इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से बता दूं, शॉर्ट टर्म कैटेगरी में वो शेयर्स आते हैं अगर आप उनको 12 महीने से पहले पहले बेच देते हो, यानी कि 12 महीने तक आपने होल्ड करे उससे पहले बेच दिए तो आपकी शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आते हैं, 12 महीने शेयर होल्ड करने के बाद आपने बेचे वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आते हैं। ये तो हमारा इनकम टैक्स लॉ कहता है, लेकिन जो हमारे दोस्तों ये रूल है कौन से, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल कहते हैं कि अगर आप एक
गवर्नमेंट इंप्लॉई हो और आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो शॉर्ट टर्म में। अब यहां पे शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, यहां पे दोस्तों शॉर्ट टर्म का मतलब है आपने शेयर 6 महीने के अंदर अंदर बेच दिए ना, तो वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आ जाएगा, वो ट्रेडिंग की कैटेगरी में माना जाएगा। इसका मतलब आप वो नहीं कर सकते हो, इसका मतलब आप 6 महीने रख के उनको बेचना चाहते हो तो यहां पर रूल के हिसाब से आप वो कर सकते हो। एज आ दोस्तों देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों बिल्कुल मना कर दी। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर कोई लिमिट तो होगी कि अगर मैं लॉन्ग टर्म में भी पैसा लगाना चाहता हूं म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट में, क्या कोई लिमिट है रूल के हिसाब से? दोस्तों रूल ये कहते हैं कि आप एक सरकारी कर्मचारी अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने टोटल जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी है उसकी वैल्यू आपकी सैलरी के बेसिक पे के 6 महीने से ज्यादा हो जाती है तो आपको अपने विभाग के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सर समझ नहीं आया दोबारा बोलो, यानी कि जैसे लेट्स सपोज मैं मान लेता हूं एग्जांपल के तौर पे आपका 6 महीने की जो सैलरी का बेसिक पे आता है लेट्स सपोज वो कितना आता है, वो आपका आता है अराउंड मान लेते हैं इसको हम कितना 2.5 लाख रुपए आता है और आपने उन 6 महीने के अंदर आपने टोटल 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में, तो अब आपकी जिम्मेदारी है अपने डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना, इंटीमेट करना। गाइस ये तो टोटल ट्रांजेक्शन की बात करी, क्या कोई सिंगल ट्रांजेक्शन भी देखी जाएगी? बिल्कुल देखी जाएगी। अगर आप एक सिंगल ट्रांजेक्शन करते हो जो कि आपका सैलरी के 2 महीने के बेसिक पे से ज्यादा है तो भी आपको दोस्तों इंटीमेट करना। अब गाइस बात करूं मैं क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि क्या एक आईएएस ऑफिसर इन्वेस्ट कर सकता है शेयर मार्केट में, गाइस बिल्कुल कर सकता है, इवन वो किसी प्रोफेशनल की किसी ब्रोकर की हेल्प ले सकता है, लेकिन अगेन उसको भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी रूल के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया अगर लिमिट क्रॉस हो जाती है, और वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के तौर पे खर्च मतलब पैसा लगा सकता है एज अ इन्वेस्टर लगा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन वो एज अ शॉर्ट टर्म F&O इंट्राडे दोस्तों वो बिल्कुल नहीं कर सकता। गवर्नमेंट इंप्लॉइज के ऊपर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है सरकार ने, यानी कि वो ये सब नहीं कर सकते। तो गाइस आशा करता हूं कि मैंने सारे पॉइंट्स यहां पर कवर करने की बिल्कुल कोशिश करी है। अगर आपका फिर भी कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंच के उसका रिप्लाई जरूर करेगी। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शेयर जरूर करना अपने उस फैमिली ग्रुप के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने दोस्त के साथ जो गवर्नमेंट इंप्लॉई है। So see you next video.